प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद, आप सभी को सत सत नमन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन का टॉपिक। क्या कोशिका विभाजन? कोशिका विभाजन अब आप देखिए यहां पर, क्या यहां पर देखिए, ये है ओवम। क्या ओवम या डिंब कहते हैं इसको, डिंब, या कह सकते हैं महिला का क्या अंडाणु कह सकते हैं, अंडाणु। ये है कह सकते हैं पुरुष का शुक्राणु। या वीर कह सकते हैं, क्या वीर कह सकते हैं। अब ये दो कोशिकाएं क्या हुई, यहां पर आकर मिली, ठीक है, पुरुष और महिला के संयोग से यहां पर मिली और बनी एक कोशिका। क्या अब एक कोशिका बनी, ठीक। अब यही जो कोशिका है, एक कोशिका, इन दोनों के मिलने से एक कोशिका बनी, इसी एक कोशिका से शरीर का निर्माण हो गया। क्या इसी एक कोशिका से, समझ रहे हैं, ये एक कोशिका बनी और इसी कोशिका से सारे जितने भी मनुष्य हैं उनका निर्माण किससे होता है, एक कोशिका से होता है। हम लोग पहले कैसे थे, एक कोशिका थे, आज इतने बड़े हो गए। तो अब ये कोशिका कैसे विभिन्न कोशिकाओं में डिवाइड हो गई, डिवाइड हुई होगी तभी तो एक से ज्यादा बढ़ा। अब ये एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो क्या हुआ, कोशिका में विभाजन शुरू हो गया और उसी विभाजन के कारण हम लोग आज हैं। अगर कोशिका में विभाजन नहीं होता तो हम लोग आज एक कोशिका होते, कहीं इधर कहीं उधर, कोई देख ही नहीं पाता हम लोगों को, और ना ही चेतना होती हमारे ख्याल से, चेतना भी नहीं होती। तो कोशिका विभाजन कितना महत्वपूर्ण है आप यहां पर देख सकते हैं। अब कोशिका विभाजन तो एक कह सकते हैं बृहद टॉपिक है, तो उसमें जो पहला टॉपिक है उसको कहते हैं कोशिका चक्र। क्या कोशिका चक्र, कोशिका चक्र को हम लोग समझेंगे, या कोशिका विभाजन चक्र कह सकते हैं, कोशिका विभाजन चक्र, ठीक है। अब चक्र क्या होता है ये तो आप लोग जानते होंगे, क्या बचपन में, क्या बचपन में आप लोगों ने क्या चलाया होगा, क्या बचपन में टायर चलाया होगा, तो टायर क्या है, एक चक्र के रूप में ही घूम रहा है ना, चक्र के रूप में घूम रहा है। तो हम लोग अब देखते हैं क्या कोशिका विभाजन के चक्र को बहुत आसानी से हम लोग समझ जाएंगे, चित्र के माध्यम से देखेंगे, क्या चित्र के माध्यम से देखेंगे, क्या एक कोशिका विभाजन का चक्र आप मान के चलिए। अब कोशिका विभाजन क्या शुरू हुआ, जैसे क्या कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है इस चक्र में, तो जो पहला फेज है उसको बोलते हैं जीवन फेज, जीवन चरण कहते हैं, क्या जीवन चरण, ठीक। अब जी का मतलब ग्रोथ है, क्या जी का मतलब ग्रोथ है। अब कोशिका विभाजन, कोशिका में विभाजन होगा, तो अगर एक क्या एक कोशिका है, अब इसको आगे दो होना है, क्या अगर ये एक कोशिका है तो इसको आगे क्या होना है, दो होना है। अब दो होने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको मजबूत होंगे तभी तो दो करेंगे, जैसे पति पत्नी, क्या पति पत्नी, पति पत्नी को मिलकर एक बच्चे को जन्म देना है, तो पति पत्नी हष्ट पुष्ट होंगे तभी तो एक बच्चा अच्छा होगा, जब हष्ट पुष्ट नहीं होंगे, ऐसे होंगे हड्डी दिखेगी इधर उधर, तो कहाँ बच्चा होगा। तो सेम कंडीशन इस पर, कोशिका अगर हष्ट पुष्ट होगी, क्या हष्ट पुष्ट होगी तभी तो उसका विभाजन होगा, तभी तो अच्छी कोशिका बनेंगी, समान सी बात है। तो जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में कोशिकाएं क्या करती हैं, अपने आप को
मतलब हष्ट पुष्ट करती हैं। क्या हष्ट पुष्ट करती हैं? और जैसे अब हष्ट पुष्ट कैसे करेंगी? आप अगर पति पत्नी हैं तो पति बहुत विटामिन खाएगा, विटामिन प्रोटीन का सामान लेगा, बहुत सारा सब कुछ की उसका क्या शुक्राणु जो हो बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो और एक बच्चे का जन्म हो। उसी तरह ये प्रथम चरण में कोशिकाएं क्या करेंगी, ये भी बहुत सारा प्रोटीन का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। तो यहाँ पर मैं प्रोटीन लिख देता हूँ, क्या बहुत सारा प्रोटीन का निर्माण करेंगी और ऊर्जा का निर्माण करेंगी, एटीपी का, बहुत सारा ऊर्जा का निर्माण करेंगी। जब विभाजित होगी तो इसमें ऊर्जा तो चाहिए ही ना। अमीनो एसिड का निर्माण करेंगी, क्या अमीनो एसिड का निर्माण करेंगी। अब सारी चीजों का निर्माण करना शुरू कर दिया इन्होंने, क्या सारी चीजों का निर्माण करना शुरू कर दिया कि हम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएं। किस कौन कोशिका ने? अब जीवन चरण से कोशिका पहुंचती है दूसरे चरण में, क्या दूसरे चरण में। अब दूसरा चरण देखते हैं हम लोग, यहीं पर मैं लिखता हूं दूसरे चरण को जिससे आप लोगों को समस्या ना हो। क्या जी दूसरा जो चरण है उसको बोलते हैं क्या यश चरण, क्या यश चरण। पहला यह हो गया, दूसरा यह हो गया यश चरण। यश चरण को क्या बोलते हैं? सिंथेसिस, क्या सिंथेसिस। इसको क्या बोलेंगे, यश का मतलब सिंथेसिस, क्या सिंथेसिस। अब सिंथेसिस क्या होता है? संश्लेषण, क्या संश्लेषण। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, यश का मतलब क्या संश्लेषण। अब संश्लेषण का मतलब कि कोई नई चीज बनाना, क्या कोई नई चीज बनाना। समझ में आ रहा है कि संश्लेषण का मतलब क्या, कोई नई चीज बनाना। अब यहां क्या करेगी कोशिका इस चरण में? इस चरण में कोशिका करेगी कि हमारे पास जो मटेरियल है वो सब क्या हो जाए, दो तीन हो जाए, क्या दो तीन हो जाए। जैसे उसके पास डीएनए है, क्या डीएनए, तो डीएनए डबल हो जाए उसके पास, क्या डीएनए डबल हो जाए। कोशिका है क्या, डीएनए कोशिका नहीं, डीएनए क्रोमोसोम है, क्या क्रोमोसोम है, वो क्या हो जाए डबल हो जाए, क्रोमोसोम डबल हो जाए। और बहुत सारे तत्व हैं, लाइसोसोम है, क्या लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम नहीं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम लाइसोसोम भी सेंट्रोसोम है, ये डबल हो जाए। तो यानी कि वो अपने क्या कोशिका क्या करेगी, अपने कोशिकांगों को डबल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि विभाजित होगी तो सब में बराबर जाना चाहिए ना। अब यहाँ पर कोशिका है विभाजित हुआ और यहाँ पर जो माइटोकांड्रिया है वो पहुँचा ही नहीं, तो माइटोकांड्रिया नहीं पहुँचा तो कैसे कोशिका जिंदा रहेगी। यानी सब चीज़ उसके पास जितने भी कोशिका में ऑर्गन्स हैं या अंग हैं सब डबल हो जाए, जिससे विभाजित हो तो सबके पास बराबर बराबर अंग पहुँच जाए और सब कोशिका स्वतः काम करने लगे, क्या स्वतः काम करने लगे। तो जो सेकेंड फेज है उसको हम लोग क्या कहें, सिंथेसिस फेज। और इसमें क्या होता है, डीएनए का पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए डुप्लीकेशन किस में होता है, यानी डीएनए से डीएनए का निर्माण इसीलिए होता है, इसी में होता है, किसमें, किस फेज में, यस फेज में, क्या यस फेज में। अब ठीक है, तीसरा तीसरा देखते हैं, तीसरा चरण चला, पहला दूसरा तीसरा। तीसरा जो चरण है उसको जी टू चरण कहते हैं या जी टू फेज कहते हैं, यानी ग्रोथ टू। अब उसने सब क्या सारे अपने अंगों का निर्माण कर लिया कोशिका में, अब कोशिका फिर से क्या प्रोटीन का निर्माण करना शुरू करेगी, क्या फिर से प्रोटीन का निर्माण करना शुरू करेगी, फिर से आरएनए का निर्माण करना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसे पुनः विभाजित होना है। तो यहाँ फिर आप क्या कहेंगे, प्रोटीन का निर्माण पूरा पुनः हुआ, आरएनए का निर्माण हुआ अधिक से अधिक, राइबोसोम का निर्माण अधिक से अधिक हो। यानी कि अब इसमें वो जो उसके पास कह सकते हैं ऊर्जा होनी चाहिए, वो ऊर्जा इकट्ठा करती है प्रोटीन के माध्यम से, एटीपी के माध्यम से, सबके माध्यम से वो ऊर्जा अधिक से अधिक इकट्ठा करती है, क्योंकि अब उसे क्या विभाजन की अवस्था में पहुंचना है। अभी विभाजन नहीं, ये विभाजन के लिए तैयार हो रही है, क्या विभाजन के लिए तैयार हो रही है केवल, ठीक है। तो इसे क्या बोला गया, जी टू फेज, क्या जी टू फेज। अगला चरण है, जब ये चरण समाप्त हुआ तो चौथा जो चरण है उसको कहते हैं यम फेज, यम चरण, क्या यम चरण। इसे हम कहेंगे विभाजन
चरण, यम चरण को क्या कहेंगे, विभाजन चरण। ठीक है, अब ये चौथा भेद है जिसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होने लगती हैं। क्या, कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं। अब यम चरण को भी उप चरण में विभाजित किया गया है, क्या यम फेज को उप फेज में विभाजित किया गया है, तो देख लेते हैं। पहला जो होगा उसको बोलेंगे प्रोफेज, यानी यम फेज को भी क्या बहुत सारे उपवर्ग में डिवाइड किया गया है, तो पहला जो है फेज उसको बोलेंगे प्रोफेज, दूसरा जो है उसको बोलेंगे मेटाफेज, क्या मेटाफेज, अगला जो है उसको बोलेंगे एनाफेज, क्या एनाफेज, और चौथा जो है उसको बोलेंगे टीलोफेज, क्या टीलोफेज। ठीक है, यानी यम फेज को चार भागों में डिवाइड किया। अब यम फेज हो गया क्या, यानी विभाजन हो गया, अब फिर नई कोशिका बन गई, फिर यहीं से शुरुआत होगी, क्या फिर यहीं से शुरुआत होगी, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहीं से, यानी कि ये ऐसे चक्र चलता रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको एक चक्र बनाया। ठीक, अब यहाँ देखिए जो पहला चरण है, ये पूरा जो कोशिका का विभाजन हुआ, पूरा कोशिका का विभाजन कितने घंटे में होता है, 24 घंटे में होता है, यानी ये कोशिका 24 घंटे में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला चरण है ना, पहला चरण सबसे ज़्यादा लंबा कह सकते हैं, क्या पहला चरण, इसमें 10 घंटा लगता है, क्या 10 घंटा लगता है। अब आ जाएं दूसरे चरण में, दूसरे चरण में 9 घंटा लगता है, क्या 9 घंटा, यहाँ पर कितना होगा 9 घंटा लगेगा। और तीसरे चरण में, तीसरा यहाँ पर आपको 10, 9, 19 और 4 घंटा, क्या यहाँ पर आपको 4 घंटा लगेगा। ठीक है, 4 घंटा, और लास्ट में केवल 1 घंटा, जब विभाजित होगी तो 1 घंटा में केवल 1 H 1 R में विभाजित हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी विभाजन केवल 1 घंटे में होगा, और विभाजन की तैयारी 23 घंटे में, विभाजन की केवल तैयारी होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ अगर इस चरण को आप दिखाएंगे तो 10 भाग इसका दिखाएंगे, 9 भाग इसका दिखाएंगे, 4 भाग इसका दिखाएंगे, 1 भाग इसका दिखाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अभी जो चक्र है, क्या ये जो चक्र है कहाँ से, यहाँ से मैं मानता हूँ स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ तक हम माने, और 1 घंटा होता, इतना हम मानते हैं कि क्या है, इतना जो भाग है वो यम, यम है, यम फेज है, यानी ये वाला, तो 1 घंटा इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो विभाजन शुरू हुआ, क्या यहाँ विभाजन की तैयारी शुरू हुई, और यहाँ तक विभाजन से पहले ये पूरे चरण को, यानी कि 23 घंटे को बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, इंटरफेज, यानी कोशिकाएं विभाजन के लिए क्या हो रही हैं, तैयार हो रही है। तो इंटरफेज में विभाजन कुछ नहीं होता, इंटरफेज में क्या होता है, केवल तैयारी होती है, क्या तैयारी होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कोशिका अगर विभाजन के संदर्भ में आप कोशिका देखिए, क्या विभाजन के संदर्भ में आप कोशिका देखें, तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक कोशिका होती है जो विभाजन विभाजित होती है, एक कोशिका होती है जो विभाजित नहीं होती है, क्या विभाजित नहीं होती, या वो विभाजित होती है तो एक मैच्योर स्टेट पर पहुंचने के बाद विभाजित नहीं होती, जैसे उनको बोलते हैं जी नॉट सेल, क्या जी नॉट सेल, क्या बोलते हैं जी नॉट। अब जी नॉट ऐसे लिखेंगे, जी नॉट कोशिका, ठीक है, तो उनमें विभाजन नहीं होगा, क्या उनमें विभाजन नहीं होगा, उनको जी नॉट सेल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल आपका जो तंत्रिका कोशिका है, क्या तंत्रिका कोशिका, हृदय कोशिका, हृदय कोशिका में अगर विभाजन होने लगे तो हृदय एक भी कोशिका मर जाती है, जैसे समस्या आ जाती है, हृदय में दर्द होने लगता है, अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक, वो एक स्टेज पर पहुंचकर उनमें विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और वो उसी अवस्था में बनी रहती है। ठीक है, तो उनको जी नॉट सेल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए ये जो आपका कार्य हो रहा है, ये तो बड़ा सरल यहाँ पर मैंने बना दिया, लेकिन ये इतना सरल है नहीं, क्या इतना सरल है नहीं। अब ये पूरा जो विभाजन हो रहा है,
इस विभाजन को नियंत्रण करने के लिए क्या, नियंत्रण करने के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है क्या, नियंत्रण करने के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है। अब कौन से प्रोटीन का निर्माण होता है वो पूछा जाता है, क्या कौन से प्रोटीन का निर्माण होता है ये पूछा जाता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं साइक्लिन, क्या साइक्लिन, साइक्लिन प्रोटीन है जो क्या विभाजन को कह सकते हैं एक विभाजन में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। दूसरा है काइनेज, क्या दूसरा जो प्रोटीन है वो है काइनेज, या इसको एंजाइम भी कह सकते हैं। तो ये दोनों प्रोटीन क्या कोशिका विभाजन को क्या करते हैं, देखते हैं कोशिका विभाजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसको अच्छे ढंग से पालन करवाने का मदद पालन करवाने में मदद करते हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये कह सकते हैं चेक पॉइंट की तरह काम करते हैं, क्या चेक पॉइंट की तरह। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका विभाजन में चेक पॉइंट, कोशिका विभाजन में कितने चेक पॉइंट होते हैं। तो ये जो क्या प्रोटीन है वो दो प्रकार के चेक पॉइंट बनाते हैं, क्या दो प्रकार के चेक पॉइंट बनाते हैं। अगर हम इसको G1 मान लें, क्या G1 ग्रोथ यानी कि पहला फेज मान लें, तो इसमें एक चेक पॉइंट बनेगा, क्या विभाजन इसमें एक चेक पॉइंट बनेगा। अभी चेक पॉइंट का मतलब प्रोटीन का क्षेत्र है, चेक पॉइंट का मतलब प्रोटीन का क्षेत्र है। लेकिन आप इस चेक पॉइंट की कल्पना कैसे कर सकते हैं, रोड पर जो आपको रोकते हैं उनसे कर सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सही है, तो चेक पॉइंट क्या देगा, निर्देश देगा कि हाँ आप आगे चलिए और विभाजन शुरू हो। किसमें होगा, G1 में। तो पूछा जाता है चेक पॉइंट 1 कहाँ पाया जाता है, क्या चेक पॉइंट 1 कहाँ पाया जाता है। तो आप बताएंगे G1 ग्रोथ 1 फेज में, ठीक है। अब दूसरा चेक पॉइंट G2 से, क्या दूसरा जो चेक पॉइंट है G1 से, G1 तो G1 में तो क्या हो गया 1 हो गया। अब उसके बाद यस आता है, क्या यस आता है, फिर G2 आता है और यम आता है। तो पहला तो G1 में होगा और दूसरा यस से यम के बीच होगा, क्या यस से यम के बीच होगा, ठीक है। तो एक चेक पॉइंट यहाँ बन जाता है, ठीक है, यानी प्रोटीन का ही भाग रहता है। और फिर ये देखता है कि अब अरे कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो गई है, तो कोशिका को अब क्या होना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए। तो इतना आपको कोशिका के संदर्भ में, क्या कोशिका विभाजन के संदर्भ में और कोशिका चक्र के संदर्भ में जानना है, ठीक है। अब कोशिका विभाजन के जो दो तीन रूप होते हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन।